हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ज्योति भट्ट, इनका पूरा नाम है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ग्राफिक कलाकार के रूप में फेमस हुए। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं ज्योति भट्ट के बारे में। ज्योति भट्ट, इनका पूरा नाम है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, और इनका समय है 1934 ईस्वी से अभी तक, वर्तमान तक, अभी इनका 1934 ईस्वी से समय चल रहा है। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट का जन्म हुआ था 12 मार्च 1934 ईस्वी में भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ज्योति भट्ट ने चित्रकला में डिप्लोमा व पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। कहाँ से? सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ये बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था, एनएस बेंद्रे तथा केजी सुब्रमण्यम के निर्देशन में। ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर, छापाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकटों के डिजाइन के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ज्योति भट्ट को। डाक टिकट इन्होंने 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने डाक टिकट को डिजाइन किया था, जिस पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1967 ईस्वी में राज्य कला प्रदर्शनी गुजरात में ग्राफिक प्रिंट के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ज्योति भट्ट को। किस चित्रकार की फोटोग्राफी में भी विशेष रुचि थी? ज्योति भट्ट, इनकी फोटोग्राफी में भी रुचि थी। ज्योति भट्ट के प्रमुख चित्र देवी, ये काफ़ी फेमस चित्र है, और अभी मैं इसे डिटेल में आपको बताऊंगा देवी चित्र के बारे में। ज्योति भट्ट को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 2019 ईस्वी में। ज्योति भट्ट किन कलाकारों से प्रभावित थे? पिकासो व बेन निकोलस से। ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार और फोटोग्राफर के रूप में ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये इनका जो चित्र है काफ़ी फेमस, देवी, इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देवी चित्र इनका बहुत ही फेमस है। चित्र को आप एक बार देख लें, ये चित्र है देवी, आप एक बार चित्र को अच्छे से देख लें। ये चित्र है देवी, नाम है इस चित्र का, और इस चित्र के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये चित्र जो है, चित्र का नाम जो है देवी, और चित्रकार कौन है? ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, ज्योति भट्ट हैं। माध्यम क्या है? पीतल ब्रास प्लेट पे ये बना है, इंग्लिश में इसे ब्रास सरफेस बोलेंगे। समय है 1965 से 70 ईस्वी के बीच, 1965 से 70 AD में ये बना है। काल जो है समकालीन आधुनिक, कंटेम्परेरी मॉडर्न इसका समय है। तकनीक जो है एचिंग है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये रखा हुआ है। अब इस चित्र के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट ने इस चित्र को 1965 ईस्वी की कालावधि में धातु निक्षारण विधि से पीतल की सख्त सतह पर काले रंग की रेखाओं के माध्यम से उत्कीर्णन किया है। इस चित्र में उन्होंने कुंडली जागृत करने अर्थात अलौकिक आनंद प्राप्त करने की ओर अग्रसर उस मानवीय प्रक्रिया को दर्शाया है, जिसका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्रों व तांत्रिक विद्या में बहुधा किया जाता है। मानव शरीर में विद्यमान तंत्रिका तंत्र है, जो मेरुदंड के विभिन्न भागों में विद्यमान ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करता है। इस चित्र में नाभि के पास स्त्रियोचित शक्तियाँ तथा हृदय के पास पुरुषयोचित शक्तियाँ वास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चित्र में यहाँ पे जो नाभि है उसके पास यहाँ पे एक लेडीज का फिगर बना है, तो ये स्त्रियोचित भाव, और यहाँ पे एक पुरुष की आकृति बनी है हृदय के पास, तो ये पुरुष योचित प्रभाव यहाँ पे
शक्तियों का वास है। आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य अपने जप तप व योग क्रियाओं से इन कुंडली रूपी शक्तियों को जागृत करके तंत्रिका तंत्र के सहारे मस्तिष्क की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। ये जो शक्तियां हैं, एक जो नाभि के पास स्त्रीयोचित शक्तियां और हृदय के पास पुरुषयोचित शक्तियां, ये दोनों जप तप के द्वारा कुंडली रूपी शक्तियों को जागृत करके तंत्रिका तंत्र के सहारे ये मस्तिष्क की ओर अग्रसर होती हैं, जाती हैं। कुंडलिनी के जागृत होने पर दुर्गा स्वरूप महाशक्ति के दर्शन होते हैं। यह शक्ति स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही बिना भेदभाव के दिव्य ऊर्जा का संचार करती हैं। इसमें स्त्री हो या पुरुष, उसमें दोनों में ही बिना भेदभाव के दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। देवी के सिर के पास दोनों ओर लंब मानों पर बनी आकृति उस विधान की व्याख्या करते दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये दोनों ओर सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे कुछ चित्रण किया गया है जो यहाँ पे दिया हुआ। देवी के सिर के पास दोनों ओर लंब मानों पर बनी आकृतियां उस विधान की व्याख्या कर रही है। यहाँ पे जो कुंडली ये जागृत हो रही है और मस्तिष्क मेरुदंड के सहारे ये मस्तिष्क के पास जा रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस चित्र है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, KVS NVS DSSSB से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये चित्र इनका बहुत ही फेमस है और पूछा जाता है, देवी नामक चित्र किसने बनाया है, ज्योति भट्ट ने। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चित्र के बारे में आपको बता दिया है, ज्योति भट्ट जो कलाकार हैं उनके बारे में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं विजुअल आर्ट से संबंधित, आर्ट एजुकेशन से संबंधित, वो मैं एक एक करके आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आप लोग दोस्तों अच्छे से इस चीज़ को नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दें। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से। धन्यवाद दोस्तों।